पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती दीदी तारा गांधी भट्टाचार्य जी अपना 89th जन्मदिन मनाने के लिए कल हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम पधार रही हैं। आदरणीय हरिजन सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सन्याल जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। दीदी जी यहाँ अपने बचपन काल में रही थी गांधी जी के साथ, बा के साथ, अर्थात कस्तूरबा माता जी के साथ वो अपना बचपन यहीं बिताई थी, और इसलिए ये हम लोगों सबका सौभाग्य होगा कि वो अपना बचपन की याद को ताज़ा करने के लिए इस गांधी आश्रम में आ रही हैं। हम सभी उनको अपने पलक पर बैठाएंगे, पलक पांवड़े पर बैठाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। ये हम सभी के लिए, आश्रमवासी के लिए, पूरी कमेटी के लिए सौभाग्य की बात है कि दीदी जी हमारे बीच आकर के अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाएंगी। आप सबसे आग्रह करते हैं, आइए सब मिलकर हम लोग उनके 89वां जन्मदिन को सफल बनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें वो और 100 वर्ष से अधिक जिए, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। कल 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल हम सबके लिए बहुत खास होता है। इसका कारण है कि 24 अप्रैल को अपनी तारा दीदी का जन्मदिन होता है। इस बार हरिजन सेवक संघ को ये सौभाग्य मिला है कि हम उनका 89वां जन्मदिन आश्रम में मनाएं। तो हम सब आश्रमवासी बहुत आनंद में हैं और हम सब आश्रमवासी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि दीदी हमारे बीच में होंगी और हम सब मिलकर के उनके जन्मदिन को खूब हर्षोल्लास से मनाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें 100 साल तक इसी तरह आशीर्वाद दिए देती रहें, इसी तरह हम सबको स्नेह लुटाती रहें। कहा जाता है कि गांधी जी या जो हमारे पूर्वज हैं उनकी उनके जीवन का प्रवाह उनके पीढ़ियों में जाता है, उनको स्पर्श करके, उनको छू करके, उनके सानिध्य से हम इस बात का एहसास कर पाते हैं कि बापू कैसे होंगे, उस समय की घटनाएं कैसी होंगी, बा जब रहती थी तो उनकी स्मृतियों के साथ हम जुड़ पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत क्षण है और बहुत सौभाग्य का और आनंद का मौका है। हम सब इस मौके की तैयारी में लगे हुए हैं और हम सब मिलकर के कल आनंद के साथ दीदी का जन्मदिन मनाएंगे। आप सब भी इसमें शामिल होइए, आप सब भी इस ऐतिहासिक अवसर पे साथ रहिए। आप सब आइए, स्वागत है सबका, धन्यवाद, सबको स्वागत। नमस्कार। कल यहाँ पे तारा गांधी जी, हमारे जो बहुत प्रिय गांधी जी के ग्रैंड डॉटर, उनकी जन्मदिन है। उनकी हमारी भी तो इच्छा थी हरिजन सेवक संघ की बहुत दिन से, और इस बार वो बहुत व्यस्तता में भी और शारीरिक उससे भी उन्होंने राजी हुई, तो यहाँ वो आ रही हैं अपने जहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और वो खुद और उनके बेटी भी आ रही है, उनकी पोता भी आ रहे हैं। तो देखा जाए तो 5 जनरेशन का एक वाइब्रेशन हमें एक साथ मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए, हरिजन सेवक संघ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और तारा दी के साथ तो मेरा अपना व्यक्तिगत संपर्क भी बहुत सालों से है, 40 साल से ऊपर ही हो गया होगा, तो वो बहुत स्नेह करती है, इसीलिए मेरे बार बार अनुरोध से फिर दादा को मैंने पूछा भी, दादा ने भी बोला ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तो ये हमारे लिए एक और इतिहास की तरह बन जाएगी। तो उनका यहाँ पे पाँव पड़े उस दिन उनके जन्मदिन पर, और खूब वो इतनी उत्साहित अभी है कि दिन में कई बार वो बात कर रही है मेरे से, कब यहाँ के बच्चों से मिलेगी, कब हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। तो कल का दिन तो एक क्या बताऊँ, इतनी खुशी का दिन है। ईश्वर इस हमारे इस सेलिब्रेशन को मदद करे, सार्थक करे, ये मेरी शुभकामना मेरी भी है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये काम हमारा अच्छे से निपट जाए। और तारा दी के लिए हमारा एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद भी मिले। धन्यवाद।